आज के वीडियो में बात करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का प्लेसेंटा माँ के बच्चेदानी यानी यूट्रस से जो चिपकता है वो कितने टाइप का हो सकता है, यदि लोअर है तो क्या वो ऊपर जा सकता है, या लोअर है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो आप देखते ही हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर से लड़का लड़की का पता चलता है क्या, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। देखो, प्लेसेंटा जब आपके बच्चेदानी में, प्लेसेंटा कहीं भी लग सकता है, यानी बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है वो ऊपर की साइड भी लग सकता है जिसको अपर प्लेसेंटा बोलते हैं, आगे की साइड। आप देखेंगे ये प्राइवेट पार्ट है महिले का, तो ये आगे की साइड होती है तो उसको हम बोलते हैं एंटीरियर, समझ रहे हो। तो यहाँ भी लग सकता है, या इसके पीछे जो पोस्टीरियर है यहाँ भी लग सकता है, या प्लेसेंटा नीचे भी लग सकता है। तो ये चार टाइप से प्लेसेंटा लग सकता है बच्चेदानी में, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है। अब एंटीरियर पोस्टीरियर का कनेक्शन लड़का लड़की से है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर मेन इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चेदानी में, अगर बच्चेदानी का ये मुख है, आप देख रहे हैं ये मुख है, बिल्कुल छोटा सा मुख होता है, तो इस बच्चेदानी का मुख पे अगर प्लेसेंटा लग जाए तो महिला को या बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात ये भी करें कि अगर मान लीजिए कि प्लेसेंटा मोस्टली बहुत ज़्यादा लगता है, या तो एंटीरियर लगता है या पोस्टीरियर लगता है, अपर और लोअर बहुत कम चांस है क्योंकि इधर फेलोपियन ट्यूब से जो अंडा से फर्टाइल होके आता है वो लगभग यहीं चिपक जाता है, लगभग यहीं चिपक जाता है। पर बाई चांस अगर ये नीचे आ जाए तो धीरे धीरे ये नीचे कहीं भी आके चिपक सकता है, तो हम उस कंडीशन को, अब मान लीजिए नीचे है, ये बच्चेदानी का मुंह है, ये बच्चेदानी का मुंह है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चेदानी का मुख है। अब ये बच्चेदानी का मुख है तो ये प्लेसेंटा चार टाइप से नीचे आ सकता है, बिल्कुल मुख के आसपास रह सकता है, यानी मुख तो ये है ओपन है, बस थोड़ा सा उसके पास नीचे तक आ गया है, ये देखेंगे ये प्लेसेंटा आ गया, ये बच्चे के नीचे तक आ गया। दूसरा प्लेसेंटा की हम बात करें कि ये बच्चेदानी के मुख को थोड़ा सा ढक लिया, यहाँ देखें कि ये पिछले वाला यहाँ तक था, ये इसको ढक लिया पूरा मुंह को लगभग, यानी इस तरह से देखेंगे तो आधा मुख ढक हो गया, एक साइड से आधा मुंह बंद हो गया। तीसरे में हम देखेंगे लगभग पूरा ही बंद हो गया। चौथे में हम देखेंगे कि ये पूरा ही बंद हो गया, बिल्कुल ये प्लेसेंटा यहाँ लगा है, ये मुख बिल्कुल बंद हो गया, यानी यहाँ भी मुख नहीं खुल सकता, यहाँ भी मुख नहीं खुल सकता। अब यहाँ क्या चांस रहता है, देखो यहाँ क्या चांस रहेगा, अगर बच्चा का प्लेसेंटा ऊपर रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर रहेगा, तो बच्चे का प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होने के चांस कम हो जाएंगे, यानी यहाँ से हटेगा नहीं, अच्छे से जॉइंट रहेगा। अब कोई चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से मुख खुला है और ऊपर से प्लेसेंटा है, ये मार्जिनल है, यानी इसको हम मार्जिनल या टाइप वन कहते हैं, मार्जिनल लो लाइंग प्लेसेंटा जो है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चे को प्लेसेंटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेसेंटा की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये बच्चेदानी के मुख पे लग जाए तब बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ लगभग ये किनारे पे ही है तो यहाँ कोई चांस नहीं है कि बच्चे को या माँ को कोई प्रॉब्लम होगी। सेकेंड टाइप का हम देखते हैं कि ये भी नीचे की तरफ है पर ये बच्चे को, तो यहाँ थोड़ा सा बच्चेदानी का मुख खुलेगा, यानी जब डिलीवरी होती है उसके थोड़े दिन पहले धीरे धीरे बच्चेदानी का मुख खुलना स्टार्ट होता है, तो वहीं से अगर ये मुख खुलेगा, या तो मुख खुलेगा नहीं, और मुख खुलेगा तो क्या होगा, यहाँ ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पर इसमें भी कई बार नॉर्मल डिलीवरी, कई बार इसमें सीजेरियन डिलीवरी हो सकती है। अब थर्ड और फोर्थ जो टाइप आता है, ये नीचे के प्लेसेंटा की बात कर रहा हूँ, तो इनमें क्या होता है कि बच्चेदानी का मुख बंद हो गया है, अब बच्चेदानी का मुख जैसे खुलने लगेगा आपके प्लेसेंटा से नीचे सपोर्ट हट जाएगा, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और दूसरा यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, जब जब लास्ट मंथ में यानी लास्ट 15 दिन में बच्चा नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ प्लेसेंटा उसके बीच में आ गया, यहाँ प्लेसेंटा उसके बीच में आ गया, तो ये प्लेसेंटा आ गया बीच में तो बच्चा नीचे ही नहीं आएगा, बच्चा नीचे नहीं आएगा तो यहाँ आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, यानी सी सेक्शन आपको करवाना पड़ेगा। तो नीचे वाले प्लेसेंटा से ये ना, तो ये प्लेसेंटा बाद में ऊपर जा सकता है, धीरे धीरे प्लेसेंटा, जैसे बच्चेदानी छोटी है अभी, बच्चा प्लेसेंटा छोटा है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्लेसेंटा नीचे तक और आ सकता है, पर ये ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। और मोस्टली तीसरा हिस्सा जो बच्चेदानी का, अगर हम चार हिस्सों में बांटे तो तीसरा हिस्सा लगभग ये प्लेसेंटा घेर लेता है, तो बच्चेदानी का मुख बंद कर सकता है ये प्लेसेंटा, इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ डॉक्टर इन दोनों में साफ साफ आपको पहले ही बता देगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इनमें बोलेगा, इसमें बोलेगा टू नंबर के में कि 50-50 रिस्क है, आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ये भी है, बाकी इसमें भी यही बोलेगा डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर रिस्क लेता नहीं है, इनमें ये बोलेगा आपको अगर इन दो में है तो 50% चांस है, बाकी इनमें बोलेगा कि आपको
सीजरियन डिलीवरी होगी, तो पहले से प्लान कर देता, आपको डॉक्टर कह देता सीजरियन डिलीवरी होगी। बाकी अगर ये बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो ओनाल आप बोलते हैं, अगर ये भी बच्चेदानी के मुख से यहाँ चिपक के निकले, जैसे ये प्लेसेंटा तो यहीं है, ऊपर ही है लगभग, ज़्यादा नीचे नहीं है, पर ये ओनाल आपकी यहाँ है और ये कई बार चिपक जाती है, हम तो यहाँ तो डॉक्टर साहब साहब बोल देगा कि आपको सर्जरी ऑपरेशन से ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बच्चेदानी का मुख खुलेगा और ये बच्चे की ओनाल है, इसमें बच्चे का ब्लड होता है, तो बच्चे का ब्लड बाहर निकलेगा, बच्चे में इतना ही ब्लड होता है, कहीं थोड़ा सा बच्चे का ब्लड लॉस हो गया तो आप बच्चे को खो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेता और सीधा आपको ऑपरेशन के लिए ही बोलता है। तो ये तो हो गए नीचे वाले प्लेसेंटा, जो ना तो ऊपर जाएंगे, लगभग आपको कोई प्रॉब्लम है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, अब जो प्रेगनेंसी हो गई है वो वैसे ही रहेगी, बस इतना है कि आपको सर्जरी प्लान करना पड़ सकता है। अब बात आती है कि एंटीरियर जो प्लेसेंटा है, यानी आगे पीछे जो लगे हुए हैं, उनकी हम बात करें, जैसे ये पोस्टेरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, तो यहाँ बच्चा का प्लेसेंटा यार इससे कोई लेना देना नहीं है, इस ट्यूब से आएगा तो इधर लग सकता है, इस ट्यूब से आएगा तो इधर बच्चा लग सकता है, समझ रहे हो आप, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंटीरियर लगे या पोस्टेरियर लगे, जिससे लड़का लड़की का है, ऐसा नहीं है कि लड़की का यही है, ये आगे पीछे नहीं, ये दाएं बाएं भी लग सकता है, समझ रहे हो ना, इधर भी लग सकता है, ये ऊपर भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, तो इससे लड़का लड़की का तो मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर तो नहीं पता कर पाए, बाकी आप यूट्यूब के वीडियो से तो पता कर सकते हैं। अब उनका एक अवधारणा समझ लीजिए या एक तुक्का समझ लीजिए कि मेरे को एंटीरियर था तो लड़का था या मेरे को पोस्टीरियर था तो लड़की थी, ये एक संभावना है, क्योंकि लड़का लड़की में से एक तो होना ही है, या तो लड़की होगी या लड़का होगा, तो कभी कभी तुक्का लग जाता है, कभी तुक्का फेल हो जाता है, तो इस चीज़ के हम कोई प्रूफ से हम तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी आप समझदार हैं। तो ये प्लेसेंटा ना ऊपर जा सकता है ना कुछ है, और प्लेसेंटा से रिलेटेड या जो कई बार क्या बोलते हैं कि आपको प्लेसेंटा नीचे या दाएं बाएं ऊपर रहता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो सीजरियन डिलीवरी का प्लान करना पड़ सकता है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान तीसरे चौथे महीने में जैसे बच्चे का यहाँ जोर पड़ता है तो यहाँ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर आप के प्लेसेंटा ये हैं तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग या कभी भी स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।